आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। लेह में मौसम खराब होने के कारण दिल्ली से उड़े स्पाइस जेट की फ्लाइट की अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम ठीक नहीं होने पर रात में ही फ्लाइट वापस दिल्ली लौट गई, लेकिन दिल्ली लौटते ही पैसेंजर्स ने हंगामा कर दिया। स्पाइस जेट को पैसेंजर्स के रहने का इंतजाम करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से लेह के लिए उड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-123 ने तकरीबन 5 घंटे की देरी से दोपहर 3:15 पर करीब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। फ्लाइट लेह तक तो पहुंची, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उसे लेह में लैंड होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद फ्लाइट को अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। कुछ समय लेह में मौसम ठीक होने का इंतजार करने के बाद फ्लाइट को दोबारा दिल्ली रवाना कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी स्पाइस जेट की मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि यात्रियों ने रनवे पर ही धरना लगा दिया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-123 शनिवार देर रात दिल्ली में लैंड हुई, लेकिन पैसेंजर्स ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड होते ही फ्लाइट से उतरने ही रनवे पर बैठकर धरना लगा दिया। पैसेंजर्स ने प्रदर्शन करते हुए विरोधी नारेबाजी की और भारत सरकार से इंसाफ की मांग की। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।